दिल्ली में एलजी और सरकार के बीच लगातार टकराव की स्थिति जारी है। अब दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने एलजी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बिजली सब्सिडी की फाइल रोक दी है। वहीं उन्होंने यह भी दावा किया है कि इस फाइल के रोके जाने से 46 लाख से ज्यादा परिवारों को बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी। आरोप दर आरोप के बीच में आतिशी ने ये तक कहा कि बिजली सब्सिडी का बजट विधानसभा में पास हो गया था, लेकिन इन सब्सिडी की कैबिनेट निर्णय की फाइल उपराज्यपाल ने रखी हुई है। उनका ये भी कहना है कि ऐसे में उपराज्यपाल से मिलने के लिए 5 मिनट का समय मांगा था, लेकिन इमरजेंसी स्थिति होने के बाद भी उपराज्यपाल ने 24 घंटे के बाद भी टाइम नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ से एलजी ऑफिस की तरफ से भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इसमें मंत्री के स्तर पर ही देरी हुई है। इसके साथ ही आरोप के पलटवार में उपराज्यपाल कार्यालय से कहा गया है कि एलजी के खिलाफ बेवजह की राजनीति और झूठे आरोप लगाने से बचें। ऊर्जा मंत्री के आरोपों को निराधार बताया गया है। एलजी की तरफ से ये भी कहा गया है कि ऊर्जा मंत्री अपने झूठे बयानों से दिल्ली के लोगों को गुमराह न करें, साथ ही उन्हें और सीएम केजरीवाल को दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए कि इस संबंध में फैसला 4 अप्रैल तक क्यों लंबित रखा गया था, जबकि समय सीमा 15 अप्रैल थी। इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि एलजी को 11 अप्रैल को ही क्यों फाइल भेजी गई और 13 अप्रैल को चिट्ठी लिखकर और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाटक करने की क्या जरूरत थी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।